हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत ही बढ़िया स्वागत है। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बर्मिंघम में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धो डाला था। भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। चार भारतीय बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े थे, लेकिन जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा चौंकाया था वह थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अंतिम ओवर की पहली तीन गेंदों पर तीन गगनचुंबी छक्के जड़े थे। युवराज सिंह जब 32 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हुए तो सबको यही उम्मीद थी कि क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, लेकिन कोहली ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए पांड्या को धोनी से पहले बुलाया। उन्होंने भी कप्तान के फैसला गलत साबित नहीं होने दिया और 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ 20 रन ठोक डाले। इतना ही नहीं, उन्हें यह मालूम भी नहीं था कि उन्हें धोनी से पहले प्रमोट किया जाएगा। इसके बारे पूछने पर उन्होंने कहा, युवराज के आउट होने के बाद पता चला कि मुझे धोनी से पहले बल्लेबाजी करनी है। हार्दिक पांड्या ने कहा, 46वें ओवर में मुझसे कोच ने कहा बैटिंग करने तुम जाओगे, पैड पहन लो। इसके बाद मैंने तुरंत पैड पहने और ग्लव्स मिलने के बाद मैं सीधा मैदान पर चला गया। फाइनल ओवर पर ये बोले हार्दिक। अंतिम ओवर के बारे में पांड्या ने कहा कि मुझे विश्वास था कि मैं इमाद वसीम के खिलाफ अच्छा खेलूंगा। उन्होंने कहा, मैच के दौरान प्रेशर था, लेकिन दूसरी ओर मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक खेल है और बेकार में प्रेशर लेकर कोई फायदा नहीं है। क्रिकेट ट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक पांड्या ने कहा, मैं उन खिलाड़ियों में से नहीं हूं जो ज्यादा प्रेशर लेते हैं। मैं किसी की जगह नहीं खेल रहा हूं। यह परिस्थितियों और टीम की जरूरत के मुताबिक होता है।